हेलो फ्रेंड्स, हम जो डिसाइड किया था हमने जो अंडरग्राउंड जो तंदूर बनाने है उसके लिए मैंने ये एरिया चूज किया है। तो अभी हम इसका मेजरमेंट लेंगे कि कितना हमें लेंथ और विड्थ में लेना है और कितना हमें और डीप नीचे तक इसे डीलिंग करना है। तो मेरे पास एक शहाबादी फर्शी थी टाइप, If you're watching my channel for the first time, please like, share and subscribe and don't forget to click on the notification tab for the upcoming videos. Thank you. एक फिट भी नहीं गया पर इतने सारे पत्थर ऑलरेडी निकल लिए और पता नहीं देखें अच्छा है, जितने पत्थर निकलेंगे उतना मेरे लिए अच्छा ही है, ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो पिट है वो अभी थोड़ा सा तैयार हो गया है। 2.5 फीट का मैंने डिगिंग किया है सरफेस नीचे तक। अभी इसमें उस साइड से मैं पूरा मिट्टी और पानी मिला के लेप लगाऊंगा तो ये थोड़ा और भी पूरी तरह अच्छे से दिखने लगेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी मिट्टी ली है, इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, हो सके तो इसमें थोड़े से सूखे हुए पत्ते भी हम लोग ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वो अच्छे से चिपक के बैठेगा, वो निकलेगा। ये जो मिट्टी मिल रहा है उसमें कुछ पत्थर आए, इसमें उतर आए, इसमें पानी डाल के फिर हम इसका मिक्सर बना के रखेंगे। Get a piece.
निकल के आएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़े से पत्ते मिला थोड़ा सूखी हुई घास है तो आप उसे वो भी मिला सकते हैं। If you're watching my channel for the first time, please like, share and subscribe and don't forget to click on the notification tab for the upcoming videos. Thank you. लगाऊंगा कि जो हमारा कोयला है और जो लकड़ी हमने पीछे डालने वाले हैं वो जल्दी ठंडी ना हो, तो उसके हिसाब से मैं लगाने वाला था। मैं एक्चुअली जो हमारे शावरी टाइल्स थे वो लगाने वाला था, लेकिन थोड़ा साइज़ में प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें इससे ही काम था। आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, रूफिंग टाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्रीफर है कि मेरे पास पड़ा था। इसके हिसाब से आप जान सकते हैं। इसी तरह से अपनी पूरी जो ब्रिक्स है वो लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको भी ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से मैंने जो ब्रिक्स है वो लाइन अप कर लिए है। मेरे ख्याल से सिंगल लेयर मेरे लिए इनफ है, ताकि इसके ऊपर हम ढक्कन रख के इसको पूरा कवर अप करके पैक कर सके, तो जो हीट है वो बाहर नहीं निकलेगी। और इसके ऊपर अभी मिट्टी का और एक लेप लगा दूँगा। सबसे पहले मैं पानी डालूँगा इसके ऊपर, ताकि मिट्टी इसे अच्छे से पकड़ ले।
दोस्तों हमारा अंडरग्राउंड तंदूर तैयार हो चुका है। इसमें हम एक्जॉटिक एंड डिलीशियस क्विजिन्स जैसे कि टर्किश, ईरानी, मोरक्कन रेसिपी जो है वो ट्राई आउट करेंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सामने और वीडियोस लेके हाजिर हूँगा। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। इफ़ यू वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।